नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय चार विधानसभा क्षेत्रों में प्रशासन गांवों के संग अभियान का निरीक्षण किया। इसी दौरान पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 संघर्ष समिति ने पंचायती राज LDC भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, घनश्याम जी कड़वासरा फतेहपुर जिले में जो प्रशासन गांव के शहर शिविर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो निरीक्षण किया उसके दौरान यहां पर ज्ञापन सौंप रहे। साथ ही फतेहपुर विधायक हाकम अली जी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ज्ञापन सौंपा और यहाँ पर सकारात्मक आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया है, साथ ही घनश्याम जी कड़वासरा जो संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका संदेश भी इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, चारों विधानसभा क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा और पंचायती राज LDC भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पदों पर नियुक्ति की मांग की। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर जो घनश्याम जी कड़वासरा का संदेश है, पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 शुरू करवाने को लेकर संघर्ष समिति लगातार प्रयासरत है। संघर्ष की इस कड़ी में कल मेरे आह्वान पर चारों जिलों में प्रशासन गांव के संग अभियान में माननीय मुख्यमंत्री को संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया। साथ ही आज का हमारा यह प्रयास हमारी भर्ती को शुरू करवाने में सहायक सिद्ध होगा। इसके लिए मैं संघर्ष समिति की तरफ से बीकानेर जिले, सीकर जिले में फतेहपुर टीम, जयपुर जिले की टीम का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इन्होंने कहा कि जो घनश्याम जी कड़वासरा है और उनके साथ ही जो है प्रवीण जी, वो 225 किलोमीटर का सफर तय करके फतेहपुर में माननीय मुख्यमंत्री मोदी को ज्ञापन देने के कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही उपचुनाव में इन्होंने कहा कि मैं और विकास जी मीणा ने दो बार हजारों किलोमीटर का सफर तय करके प्रतापगढ़ उदयपुर टीम का जो है मनोबल बढ़ाया एवं उपचुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने अपनी भर्ती की जोरदार तरीके से मांग रखी। जयपुर में मैं मग सिंह जी, विकास जी, गोविंद जी, मुकेश जी सिसोदिया, ज्ञान जी गुजर एवं हमारी टीम के साथ ही जो है लगातार प्रयासरत है, जिसका ही परिणाम है कि आज सरकार के स्तर पर हमारी भर्ती से संबंधित सकारात्मक निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी भर्ती शीघ्र अति शीघ्र शुरू होने जा रही है। इस संघर्ष में हमारा साथ देने वाले सभी शुभचिंतकों का हृदय की गहराइयों से संघर्ष समिति आभार प्रकट करती है। आशा करता हूं कि आप सभी का सहयोग से हमें सफलता की मंजिल तक प्राप्त होने तक बना रहेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो संदेश है वो घनश्याम जी कड़वासरा का है, जो प्रदेश अध्यक्ष है पंचायती राज LDC भर्ती 2013 संघर्ष समिति के। यहाँ पर कल चार जिलों के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें प्रशासन गांव के स्वयं अभियान में माननीय मुख्यमंत्री मोदी का दौरा था। इसी दौरान चारों विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पर पंचायत राज LDC भर्ती 2013 को शुरू करने को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया और उनसे मांग की गई कि पंचायत राज LDC भर्ती 2013 में शेष रहे 10,029 पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति यहाँ पर प्रदान की जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी यहाँ पर सकारात्मक आश्वासन दिए कि जल्द ही आपका काम होगा, आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, पंचायत राज LDC भर्ती 2013 के संघर्षशील सभी साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद और शुभकामनाएं। जल्द ही पंचायत राज LDC भर्ती 2013 जो है शुरू होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूले। साथ ही पंचायती राज LDC भर्ती 2013 के टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूले। आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।